खेती में किसानों को उर्वरक खाद की आवश्यकता होती है जो कि इस समय शासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। खाद को किसान खेतों में डालता है जिससे फसल की अच्छी पैदावार होती है। खाद को लेकर शासन द्वारा कहा गया कि उर्वरक खाद की किसान चिंता ना करें, पर्याप्त मात्रा में है, परंतु किसानों द्वारा उर्वरक खाद को लेने के लिए सहकारी केंद्रों में जाकर घंटों बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक खाद नहीं दिए जा रहे हैं, जहाँ 4 कट्टों की आवश्यकता होती है वहाँ 3 दिए जा रहे हैं। शामगढ़ के सहकारी संस्था पर पहुंचे विपक्ष के कांग्रेसी नेता एवं सुवासरा विधानसभा प्रत्याशी राकेश पाटीदार, पवन पांडे सहित कई कार्यकर्ता पहुंचे और किसानों से चर्चा की। किसानों ने उर्वरक खाद को लेकर अपनी बात कही तो वहीं उर्वरक खाद कट्टे को लेकर शासन पर उठाई उंगली। वहीं सपानिया गांव में नकली उर्वरक खाद को लेकर भी उंगली उठाते हुए कहा कि शासन को आसपास के सभी गोदामों को देखना चाहिए, कहीं किसान नकली खाद तो नहीं खरीद रहे। उनके द्वारा गोदाम दुकानों पर जाकर जांच करने को कहा गया। वहीं किसानों को पर्याप्त खाद दिया जाए इसको लेकर गुहार लगाई। बहुत आ रही है, क्या समस्या है? यह समस्या आ रही है, खाद की पूर्ति नहीं हो रही। कितना मिलना चाहिए, कितने बीघा पर? तो बीघा पर कम से कम 4 कट्टा 5 कट्टा तो मिलना चाहिए, 4 तो मिलने चाहिए। तो आज दिन तक उन किसानों का ब्याज माफ हुआ? ये सारे किसान खड़े, इनसे पूछ लो कि अगर एक भी किसान का ब्याज माफ हुआ हो, आज इनसे पूछ लो कि इनको खाद समय पे मिला हो। आज नहीं, लगभग 4 साल से किसानों के साथ यही होता आ रहा है। सरकार बोलती है जब इस साल बारिश अच्छी हुई तो फिर वापस किसानों को लाइन में लगा दिया। ये गरीब किसानों के साथ तो सरकार इस तरीके से छलावा कर रही है। चाहे कोई सी भी योजना हो, तत्काल उन गरीबों को लाइन में लगने के लिए मजबूर कर दिया गया, जबकि सरकार को ऐसी योजना बनाए। जगह जगह सोसाइटियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, राशन की दुकानें, उनके माध्यम से इनको आसानी से खाद दे दिया जाना चाहिए ताकि किसान अपनी खेत की फसल अच्छी बोनी कर सके, उसको खाद दे सके, ना कि इन लाइनों में खड़े रहे। सिपानिया गांव में नकली खाद का भंडारण पकड़ा गया है, कैसे देखते हैं उसको? आप ये देख लो ना, नकली खाद बनाने वाले लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, अधिकारी कबूल रहे हैं वहाँ पे, क्या हम बंदी लेते थे? बहुत सारे अधिकारियों को वहाँ, आज जी TI को लाइन अटैच किया गया तो कहीं ना कहीं उसी की तो मिली भगत है। मेरे भी कुछ अधिकारियों से बात हुई, मैंने पूछा भैया ये क्या हो रहा है कि सब, हमको तो ये पता था खाली मछली का व्यापार होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं सरकार छोटी से छोटी चीज को हर तरीके से, सरकार ब्लैकमेलिंग में, मार्केटिंग में इस तरीके से लगी हुई है कि किसान गरीबों के गले काटने के लिए तैयार है। आज जैसे मान लो उस, आज तो 1200 कट्टे वहाँ पे पकड़ाए नकली खाद के, उस व्यक्ति ने कितने कट्टे मार्केट में दिए होंगे सबसे पहले तो आज दिन तक उसको ये पता नहीं कर पाई सरकार कि उसने पहले कितने कट्टे बेचे हैं, कहाँ किन दुकानों से बेचे और किन किन लोगों के खेतों में गए हैं। आज वो उनकी फसल, हो सकता है कि उन्होंने तो यूरिया समझ के दे दिया, पर हो सकता है वो आने वाले समय में फसल पूरी बर्बाद हो जाए। तो सरकार उन किसानों को भी मुआवजा दिलाए जिन्होंने वो नकली यूरिया डाला है। आज ये जितनी दुकानें मार्केट में खाद बीज के, इन सबके रसायनों की जाँच की जाए, इनके सैंपल लिए जाए कि क्या राकुड़िया जो आ रहा है ये सही आ रहा है, पोटास आ रहा है सही आ रहा है, DAP आ रहा है सही आ रहा है, जो जिन मात्रों पे और मापदंडों पे बना हुआ है वो मापदंड उनके हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जो रासायनिक जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं, जो मापदंड है उनके, उन मापदंडों पे एक भी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड खरे नहीं है। अगर ये होते हैं तो जिस बीमारी के लिए जो इलाज लिखा गया वो उनका, किसानों को उसका फायदा